हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट मेथड ऑफ द कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू सेकेंड मेथड इन विच वी हैव ए अनइक्वल डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव डन हैविंग द सेम न्यूमिनेटर। वहाँ पर हमारा क्या था? सेम न्यूमिनेटर था। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें क्या था हमारे? वी हैव ए सेम नंबर ऑफ द न्यूमिनेटर। ठीक है, क्या थे हमारे? सेम नंबर ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिफरेंट नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इन विच वी हैव ऑलरेडी डन द कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में कैसे पता चलता था विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द ग्रेटेस्ट? द डिनोमिनेटर और द फ्रैक्शन कंटेन द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता था वो क्या हो जाता था? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, 5/2 and 5/3। इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है बट डिफरेंट डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन कंटेन्स द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या होती है? स्मॉलर वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। दैट फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट। वो क्या हो जाता था? ग्रेटेस्ट हो जाता। ये तो था हमारा हैविंग सेम न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर हमारा सेम हो तो उस केस में। सेकेंड केस क्या है? हैविंग द डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड द डिफरेंट डिनोमिनेटर। दोनों हमारे पास क्या है? डिफरेंट हो। यहाँ पे हमारे पास 5 और 5 सेम था, दो नेक्स्ट केसेस में क्या है हमारे पास? ये डिफरेंट हो। न्यूमिनेटर भी सेम ना हो और डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। सो सेकंड मेथड में इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम डिनोमिनेटर को एक इक्विवेलेंट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फैक्टर में कैसे होता है? बाय टेकिंग दी एलसीएम। एलसीएम लेके लीस्ट कॉमन मेथड को यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेकेंड मेथड है हमारे पास, सेकेंड केस है हैविंग अनइक्वल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट मेथड, इसके भी हमारे पास कितने मेथड है? टू मेथड है। सो दिस केस कैन बी सॉल्व बाय द टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज द बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे हैविंग द इक्वल डिनोमिनेटर और द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। एग्जांपल्स हम क्रिएट करते हैं 2/3 and 4/2। ये है हमारे पास कोई फ्रैक्शन 2/3 and 4/2। अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलर और विच फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। ठीक है, सो हाउ वी कैन यूज, कैसे करेंगे हम? देखो 2/3 and 4/2, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दी एलसीएम। क्या एलसीएम लेंगे हम? 2 और 3 का एलसीएम यूज करेंगे। सो हियर इज दी 2 and here is the 3। सो एलसीएम कितना आया हमारे पास? 6। अब इसको क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 तो हमारा एलसीएम आ गया, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 2/3 है हमारे पास, 2/3 into 2 into 2। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास? 4/2, दिस इज into 2 and into 3। 3 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से मल्टीप्लीकेशन, किसके लिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है। हियर इज दी 2 into 2 is the 4, 4/6, एंड हियर इज दी 12/6। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या आ गए? सेम नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर आ गए। नाउ वी कैन इजीली फाइंड दैट विच इज द स्मॉलेस्ट और विच इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम अब इजीली बता सकते हैं कि कौन सा हमारा स्मॉलर है और कौन सा हमारा ग्रेटर है। ठीक है, सो दिस वन इज द ग्रेटर एंड दिस वन इज द स्मॉलर। ठीक है, ये हमारा स्मॉलर आ गया, ये हमारा ग्रेटर आ गया। सो अब फ्रैक्शन की बात करें तो 4/2 इज द ग्रेटर देन 2/3। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। 4/3 इज द ग्रेटर देन 2/3। क्या है हमारा? ये ग्रेटर देन है दिस वन। देखो वापस एक बार रिपीट करते हैं। कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास टू मेथड है, दो केसेस है इनिशियली। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस तो ये है कि हैविंग द सेम नंबर ऑफ द न्यूमरेटर, इक्वल नंबर ऑफ द न्यूमरेटर और इक्वल न्यूमरेटर, जो भी फ्रैक्शन है हमारे पास क्या है? इक्वल न्यूमरेटर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस को सॉल्व कैसे करते थे? इफ द फ्रैक्शन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ द न्यूमरेटर देन द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी द ग्रेटेस्ट। स्मॉलर डिनोमिनेटर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। देन
सेकेंड केस, सेकेंड केस है द फ्रैक्शन कंटेन्स द डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूमरेटर एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है हमारे पास, डिफरेंट है. ठीक है, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द केस वी हैव टू मेथड. फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो फर्स्ट मेथड हमने अभी कंप्लीट कर लिया. दिस इज द फर्स्ट मेथड. बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. क्या है हमारे पास? एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अनइक्वल न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है. सो वी हैव टू चेंज इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. किस में चेंज करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है. ठीक है, सो वी हैव टेकन 2/3 एंड 4/2. ये लिया हमने, इसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया. एलसीएम वी विल गेट 6, देन 2/3 एंड 4/6. 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सेम अमाउंट 2 एंड 3. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 एंड 3 था, सो दैट्स व्हाई वी हैड यूज 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड फ्रैक्शन. सो फाइनली वी गेट 4/6 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट 12/6. अब बाय एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि विच फ्रैक्शन इज द ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलर. ठीक है, सो दिस वन इज द ग्रेटर एंड दिस वन इज द स्मॉलर. सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका था हमारे पास, 4/2 का. सो 4/2 इज द ग्रेटर देन 2/3. ये आ गया. नाउ डू सम सेकेंड एग्जाम्पल्स. एक सेकेंड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, 4/5 एंड 3/2. ठीक है, 4/5 और 3/2 में हम कंपेयर करते हैं. ये हमारा है कंपेरिजन टू फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन के बीच का कंपेरिजन है. ठीक है, अब सेकेंड भी आएगा हमारे पास फर्दर सेशन में कि कंपेरिजन ऑफ ए मैनी फ्रैक्शन. ठीक है, इसमें हमारा टू फ्रैक्शन है, फिर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, 4/5 एंड 3/2 है हमारे पास, इसको हमें कंपैरिजन करना है, इसको हमें शो करवाना है कि विच इज द ग्रेटर और विच इज द स्मॉलर. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम. क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 2 एंड 5. सो 10 इज द एलसीएम, 10 हमारा एलसीएम आ गया. सो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में. 4/5 मल्टीप्लीकेशन विद दी किससे आएगा, ये 4/5 है हमारे पास, 3/2 है. 4/5 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दी 2, ये 2 से मल्टीप्लीकेशन. और नेक्स्ट वी हैव 3/2 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दी 5, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा. 4/2 इज दी 8/10 एंड 3/5 इज दी 15/10. क्या आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा. अब एनालिसिस कीजिए. By observation we can easily find which one is the greater or which one is the smaller. ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे analyze करते हैं, यहाँ पे observation establish करवाते तो दोनों हमारे पास denominator different है. So it is very difficult to observe the directly value. यहाँ पे directly हम observe नहीं कर सकते, that's why we have to make the denominator same. क्या करेंगे इसमें, same करेंगे ताकि हमें easily observation मिल सके, easily हमें पता चल सके कि which fraction is the greater और which fraction is the smaller. ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास 10 आ गया दोनों में, तो क्या है value हमारे पास, जो डिवाइड है वो क्या है, 10 से ही है. तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. दिस इज दी 0.8 एंड दिस इज दी 1.5. सो ऑब्वियसली दिस वन इज दी ग्रेटर. ये वाला क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर आ गया. ठीक है, सो 3/2 इज दी ग्रेटर देन 4/5. 3/2 इज दी ग्रेटर देन 4/5, पता चल गया हमें 3/2 इज दी ग्रेटर देन 4/5. सो दिस मेथड इज टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें. सिंपली हमें क्या करना है, अवर मोटो इज टू कंपेयर. फॉर कंपेरिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वी कैन इजीली फाइंड विच वन इज द ग्रेटर और विच वन इज द स्मॉलर. ठीक है, अब कंपेरिजन होगा वो इन दोनों के बीच होगा, ना कि जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इन दोनों के बीच. ठीक है, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया है. ठीक है, ये मेथड है एलसीएम का, तो वो हमने यहाँ पे यूज किया है मेथड. बट वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर 4/5 एंड 3/2. सिमिलरली ये यही हमारा यहाँ पे था.
क्या किया हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा डिवीजन में, यहाँ पे 0. समथिंग में जाएगा। सो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर देन दिस नंबर, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन 4/2 इज द ग्रेटर देन 2/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक 6/8 एंड 2/5, 6/8 एंड 2/5, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 8 एंड 5, 2, 4, 2 एंड 5, 5 इंटू 2 इज द 10, 10 इंटू 2 इज द 20, 20 इंटू 2 इज द 40, 8 इंटू 5 इज द 40, सो 40 वी हैव एलसीएम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 6 इंटू 5 एंड 8 इंटू 5, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट फ्रैक्शन का, सेकंड फ्रैक्शन में 2 इंटू 8 एंड 5 इंटू 8, ये आ गया सेकंड फ्रैक्शन, 6 इंटू 5 इज दी 30, 8 इंटू 5 इज दी 40, 40 आएगा हमारे पास, हियर 16, हियर 40, ठीक है, 5 इंटू 8 इज दी 40। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, डिनोमिनेटर हमारा सिमिलर आ गया। अब इसको अब इसमें डिवीजन करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, हियर वी हैव गॉट इन दी 0. समथिंग, ठीक है, 0. क्या आएगा, 7 आएगा, और इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय दी 40, हियर 8, 2 का 8 एंड 20, 4 एंड 10, कितना आएगा 0.4, हियर वी हैव 0.4 एंड हियर वी हैव 0.6, कितना 0.6, सो ऑब्वियसली दिस नंबर इज दी ग्रेटर, क्या है हमारे पास, ये ग्रेटर नंबर है, सो वी हैव गॉट 6/8 इज दी ग्रेटर देन 2/5। डायरेक्टली तो हमें ये पता नहीं चल सकता था कि विच वन इज दी ग्रेटर, बट बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा ग्रेटर है और कौन सा हमारा स्मॉलर है, ठीक है। सो 6/8 इज दी ग्रेटर देन 2/5, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपेरिजन इन टू फ्रैक्शन, हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट अवर दी नेक्स्ट सेशन विच इज दी, क्या है हमारा नेक्स्ट, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, वी हैव टू कंपेयर दी टू फ्रैक्शन बाय दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इन विच वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।